हमने कल अष्ट सिद्धि पढ़ लिया कि अष्ट जो कर्म हमने बताया था, चक्री चक्री है, नोली है, धोती है, नेति है, बस्ती है, गजकर्णी है, त्राटक है और मस्तक भ्रांति, ये 8 कर्म थे। और हम आज हम त्राटक पढ़ेंगे, तो मैं आगे स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। कन्हैया जी, मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। जी आवाज बहुत कम आ रही है। हाँ जी, बोल ही नहीं रहा जी, कम तो आएगी, अभी आ रही होगी ना आवाज? अभी भी कम आ रही है। आप अपना नेट चेक कीजिए। हिमांशु जी, आवाज आ रही है साफ? हाँ जी, क्लियर है। तो त्राटक कर्म हम पढ़ते हैं। त्राटक क्या होते हैं? कि त्राटक की निरीक्ष निश्चल दिशा सूक्ष्म लक्ष्म समाहित है, अश्रु संपात पर्यंतम आचार्य त्राटकम श्रमितम। सेम हठयोग वाला लिया गया, सेम एकाग्र होकर निरंतर एक सूक्ष्म वस्तु को देखना है, और जब तक देखना है कि आंखों से आंसू न गिरे, इसी को ही आचार्य त्राटकम श्रमितम त्राटक कहा गया है। ये जो त्राटक है, नेत्रों को साफ करता है कि स्फोटनम नेत्र रोगानाम, और नेत्रों की तंद्रादि नाम, स्फोटनम नेत्र रोग, यानी कि नेत्रों की रोगों को दूर करता है। नेत्रों के सभी तंद्रादि जो विकार होते हैं ना, तंद्रा इनकी नींद आना, सुस्ती आना, उबासी आना, उसको तंद्रा बोलते हैं। कपाटकम, कपाट का शोधन करता है, यानी कि ये व्याख्या में नहीं दिया हुआ है, आप देख लेंगे। तो कपाटकम, कपाट का शोधन करता है। प्रयत्नात् त्राटकम, त्राटक को करने से गोपयम, ये अति गोपनीय है, कैसा? रत्न सुपेटकम, रत्न की पिटारी के समान, यानी कि मोतियों की पिटारी, मोतिया और रत्न दोनों एक होता है। और हठ योग प्रदीपिका में आपने पढ़ा होगा, वहां पर था प्रयत्न त्राटकम गोप्यम यदा हाट कपेटकम, वहां पे तो सोने की पिटारी और यहाँ पे मोतियों की पटार, दोनों में डिफरेंसेस याद रखेंगे आप सभी। पिटार हट रत्नावली में बताई गई है। कपाल भस्त्री का अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन क्योंकि पीछे श्लोक में हमने पढ़ा था ना, वहां पे मस्तक भ्रांति बोला गया है, तो एग्जाम में जो आपको दिखे वो आप उसको लगा देना कि कपाल भस्त्री का भी है और मस्तक भ्रांति भी, दोनों का एक ही नाम है। कि भ्रस्त्रवल लोह काराणाम रेच पुरुष संभ्रम कपाल भस्त्री विख्याता सर्व रोग विशोषणी। कि भस्त्रीवल लोह कारण की भस्त्रिका की तरह, लोहार की धोखनी की तरह है, रेच पूरक यानी कि रेचक करना है और पूरक करना है यानी सांस लेना है और छोड़ना है, ससंभ्रम तेजी से करना है। कपाल भस्त्री विख्याता, इसको कपाल भस्त्र रोग विशोषणी की समस्त रोगों का नाश होता है इसको करने से। यानी कि देखो श्लोक, अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसका नाम कपाल भस्त्री है, न कि मस्तक भ्रांति। लेकिन अगर हम पहले वाले श्लोक को देखते हैं तो वहां पे मस्तक भ्रांति बताया गया है, तो इसलिए दोनों ही नाम करेक्ट हैं। अब इसका लाभ क्या है कि कपालम ब्राह्म ये सव्यम पसव्यम तु वेगत है रेच पूरक योगे न कपाल भस्त्रित रेच, ये इनके रेचक और पूरक करते हुए जो सिर है उसको दाएं बाएं करना है। अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग में है, इन्होंने आधा बता दिया, थोड़ा डाउट में है ये दाएं बाएं करना। आपको मुझे मेरा कैमरा दिखाई दे रहा होगा, आप मुझे देख पा रहे होंगे, तो अब दाएं बाएं 2-3 तरीकों से किया जा सकता है, क्योंकि रेचक पूरक करना है, खाली एक्सेलेरेशन भी करना, या तो ये हो सकता है एक बार इनहेल एक बार एक्सहेल, या फिर इस तरफ इनहेल इस तरफ एक्सहेल, या तो ये हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि दोनों तरफ इनहेल एक्सहेल फिर दोनों तरफ इनहेल एक्सहेल,
कुछ भी हो सकता है, स्पष्ट इन्होंने नहीं बताया है। सिर्फ इतना बताया कि सिर को दाएं बाएं करना है और रेचक पूरक करना है, ये इसकी विधि बताई है। आगे बताया गया 58 में, कफ दोषम निहन्येव पित्त दोषम जलोद्भवम कपाल शोधनं चापि ब्रह्म चक्रम विशुद्ध्यति। अर्थात इसका जो अभ्यास करने से कफ दोषम निहन्येत, यानी कि कफ दोष का नाश हो जाता है, पित्त दोषम जलोद्भवम यानी कि पित्त का भी नाश हो जाता है, कि कफ भी नाश होता है और पित्त भी, और जलोद्भवम यानी कि जल जन्य रोग। और यहाँ पे आप थोड़ा सा डिफरेंस याद रखिए कफ में और जल जन्य रोग में क्या डिफरेंस है, कि कफ में मेनली जो हमारे चेस्ट से ऊपर के रोग आते हैं जैसे कि अस्थमा, साइनोसाइटिस, इस तरीके के, और जल जन्य रोगों में बहुत सारे रोग आते हैं, और जल जैसे कि जो सूजन होती है शरीर में वो भी जल की वजह से होती है, शरीर सिकुड़ने लग जाता है, शरीर मोटा हो जाता है, यानी कि थोड़ा सा फर्क है जल जन्य रोग में और कफ में, यानी कि तीन लाभ इसके याद रखेंगे कि कफ पित्त और जल जन्य रोगों को मिटाता है। क्या? कपाल भस्त्री। और क्या होता है कि कपाल शोधन, कपाल का शोधन होता है, कपाल का भाग यानी कि पूरा कपाल ऊपर पूरे सिर के भाग को कपाल बोलते हैं, और ब्रह्म चक्रम विशुद्ध्यति, जो ब्रह्म चक्र होता है हमारा ऊपर जो चोटी वाले भाग पे वो शुद्ध होता है कपाल भस्त्री से। आगे बता दिया नाड़ी शुद्धि के लक्षण। अब यहाँ पे एक श्लोक में कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे गड़बड़ है कि वपु सर। हाँ जी बताइए सर, ये जो अभी आपने चोटी के ऊपर चक्र बताया इसको शून्य चक्र भी कहा जाता है क्या? बहुत है, शब्द अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है, लेकिन ऊपर होता है, इतना आप ध्यान रखिए। जब चक्र वाला आएगा मैं बताऊंगा, वो योगराज बिंदु, योगराज उपनिषद में है, वो जो आप बता रहे हो ना, और सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी आएगा ये चक्र, वहां पे मैं क्लियर कर दूंगा आपको। अभी यहाँ पे पढ़ते हैं कि नाड़ी शुद्धि के लक्षण क्या है। वपु कृषतम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटतम, यहाँ पे नयने इन्होंने छोड़ रखा, नयने सुनिर्मले अरोगता बिंदु जयो अग्नि दीपनम नाड़ी शुद्धि हट सिद्धि लक्षणम। कि ये सेम पूरा कॉपी किया हुआ है हट योग प्रदीपिका में, आपने पढ़ा होगा वहां पे दूसरे उपदेश के लास्ट में, वहां पे मिलता है ये वाला कि वपु कृषतम अर्थार्थ वपु यानी कि शरीर, कृषतम अर्थार्थ पतला हो जाता है, वदने प्रसन्नता उसके मुख पे प्रसन्न रहता है वो, नाद स्फुटतम यानी कि जो बोलेगा नाद है वो स्फुटम होगा, और नाद का दूसरा अर्थ यहाँ पे आंतरिक नाद से भी हम लगाते हैं। नयने सुनिर्मले कि उसकी आंखें हैं, नयन है ना, वो निर्मल रहेंगे, शुद्ध रहेंगे। अरोग्यता कि वो रोगों का अभाव होगा। बिंदु जयो, बिंदु का जय करने वाला अर्थात ब्रह्मचारी होगा। अग्निदीपनम जठराग्नि उसकी प्रदीप्त होगी। नाड़ी शुद्धि हट सिद्धि लक्षणम, उसकी नाड़ियां शुद्ध होगी, ये क्या है, हट सिद्धि के लक्षण है। आठ लक्षण बताए, सेम हट योग प्रदीपिका में भी ये लक्षण मिलते हैं। आगे पढ़ते हैं, अगले बता दिए कि जो शोधन क्रियाएं हैं इनसे क्या होता है, ये भी हट योग प्रदीपिका का एज इट इज कॉपी किया हुआ श्लोक है। कर्माष्ट विगतो स्थौल्यम कफ मेदो मलादिकम प्राणायामम तथा कोर्यात अनायासेन सिद्ध्यति। अर्थात ये जो कर्म है, कर्माष्ट यानी कि जो आठ कर्म हैं, इनको करने से क्या होगा, स्थौल्यम जो स्थूलता है उसका नाश होगा, यानी मोटापा, यहाँ पे वसा दे दिया, स्थूलता का अर्थ है वसा भी, ठीक है, मोटापा होता है। राहुल जी एक मिनट में आपको डिस्टर्ब करूंगा, ये कुछ लोग हैं बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं भी क्लास हूं, आप लोग क्यों नहीं समझते, बार बार इतना लेट आप आ रहे हैं, जब नहीं ऐड कर रहा हूं तो प्लीज मत रिक्वेस्ट भेजिए ना, कल से 7:30 बजे के बाद किसी की भी एंट्री नहीं होगी। अच्छा, राहुल जी पढ़ाई आप ग्रुप में एंट्री में, हाँ वो भी बार बार भेजेंगे, आपको भी डिस्टर्बेंस होती है। देखो कन्हैया सर, देखिए ये भी आपकी तरह स्टूडेंट है, ये भी फोकस करना चाहते हैं पढ़ाई पे, लेकिन आप बार बार में रिक्वेस्ट भेज के इनको डिस्टर्ब करते हो, तो थोड़ा सा हमारे भी समझिए आप, हम लोग सब कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा।
कन्हैया जी की क्यों पढ़ाई आप डिस्टर्ब कर रहे हो बीच में, वो इतना काम कर रहे हैं आप लोगों का। ठीक है, कर्माष्ट यानी कि जो अष्ट कर्मों को करने से स्थूलता का नाश होता है, कफ रोग कफ कम होता है, मेलो मदाद मलाधिकम मल जो है उसको कम हो जाते हैं, प्राणायामम तथा कुर्यात अनायासेन सिद्धयति, उसके बाद में प्राणायाम करने चाहिए और फिर सिद्धि आसानी से मिल जाती है। यानी कि पहले शोधन क्रियाएं करें, शोधन क्रिया करके शरीर को शुद्ध करें, उसके बाद में प्राणायाम करें, और फिर जब हम प्राणायाम करेंगे तो अपने आप ही सिद्धि मिल जाएगी, यानी कि सरलता से मिल जाएगी। सर चक्कर शोधनम ये वाला समझने का है, बहुत यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखिए। अब आगे के चार पांच लोग, सर चक्र शोधनम सम्यक प्राणायामस्य कारणम नाशनम सर्व रोगाणाम मोक्ष मार्गस्य साधनम अर्थार्थ, यानी कि ये लाभ बताए हैं षट चक्र यानी कि अष्ट कर्म, जो अष्ट जो शोधन क्रियाएं हैं उसका क्या लाभ होता है कि षट चक्र शोधनम कि जो छह चक्रों की, यानी कि अब यहाँ पे ये स्पष्ट हो गया कि हट रत्नावली में छह चक्र बताए गए हैं, सात नहीं है, आठ नहीं है, छह हैं, कि षट चक्रों की पूर्ण रूप से शुद्धि हो जाती है और समस्त रोगों का सर्व रोगाणाम नाशानाम नाश हो जाता है, सर्व रोगाणाम सभी रोगों का नाश हो जाता है, मोक्ष मार्ग से साधन मोक्ष का मार्ग का जो है साधन, यानी कि वो मोक्ष आसानी से मिलता है अगर हम ये अष्ट कर्मों का अभ्यास करते हैं। तो ये इसका लाभ हो गया कि षट चक्रों की शुद्धि हो जाती है, समस्त रोग नाश हो जाता है और मोक्ष प्राप्ति का साधन है ये। अभी मैं आपको ऐसे पढ़ा देता हूँ, इसके बाद में मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है आप लोगों के समझाने के लिए, पहले आप ऐसे पढ़ लीजिए फिर मैं प्रेजेंटेशन से समझाऊंगा कि अष्ट कर्म। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, यानी कि डाउट नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इन्होंने वज्रोली कर्म यहाँ पे घुसा दिया बीच में, देखो, जबकि वज्रोली तो अष्ट कर्म में आता ही नहीं है, ये तो मुद्रा है, लेकिन इन्होंने घुसा डाला है, तो भी हम वज्रोली याद रखेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे, तो कुछ यहाँ पे है हट रत्नावली में गड़बड़ी, क्योंकि बात अष्ट कर्मों की चल रही है, बीच में वज्रोली कहां से आ गया, कि अष्ट कर्मों के अभ्यास से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, और यानी कि चक्री कर्म। अब अष्ट आपको याद होंगे, पहला चक्री कर्म है जो उंगली को एनएस के भाग में डाल के चक्र की तरह घुमाते हैं, उसको चक्री कर्म बोलते हैं, उससे आधार की शुद्धि होती है, अर्थात तो मूलाधार चक्र शुद्ध होता है, तो यानी कि चक्री कर्म का संबंध है मूलाधार चक्र से, और वज्रोली कर्म से लिंग की शुद्धि होती है, और लिंग के साथ कौन सा चक्र है, स्वाधिष्ठान चक्र, तो दूसरे नंबर का चक्र हो गया स्वाधिष्ठान, और वज्रोली कर्म से उसकी शुद्धि होती है। नौली कर्म से नाभि क्षेत्र में मणिपुर चक्र की शुद्धि होती है, मणिपुर नाभि वाला स्थान आ गया, यानी कि जो नौली है वो मणिपुर चक्र को शुद्ध करता है। धोती कर्म से हृदय और कंठ, इसके दो भाग हैं, एक तो हृदय यानी कि अनाहत चक्र और कंठ यानी विशुद्धि चक्र, कि धोती कर्म है दो चक्रों को शुद्ध करता है, ध्यान रखिए दो कर्मों चक्रों को कौन शुद्ध करता है, धोती कर्म करता है। आगे नेपी और त्राटक, यानी कि नेपी और त्राटक दोनों के दोनों आज्ञा चक्र को शुद्ध करते हैं, ध्यान रखेंगे विशुद्धि नहीं आएगा, आज्ञा चक्र दिया हुआ यहाँ पे। और भस्त्री और भस्त्र, यहाँ पे इन्होंने भस्त्र को भस्त्रिका ले लिया, लेकिन मैं यहाँ पे भस्त्र को कपाल भाती लेना चाहूंगा, क्योंकि पहले आपने याद होगा ऊपर कपाल भस्त्र शब्द यूज किया था, क्योंकि और यहाँ पे श्लोक को हम ध्यान से पढ़ेंगे, भस्ती भस्त्रयी, तो भस्त्रयी का हम यहाँ पे भस्त्रयी का क्योंकि ज्यादा जो सूट करेगा, क्योंकि अष्ट कर्म हम पढ़ रहे हैं तो अष्ट कर्म ही सो होना चाहिए, तो भस्त्रयी जो है वो कपाल भस्त्री को बोलते हैं, लेकिन यहाँ के जो लेखक है सतपाल जी, उन्होंने भस्त्री का ऐड कर दिया, तो आप ध्यान रखेंगे मेरा मत कहता है कि यहाँ पे कपाल भाति वाला भस्त्री की बात हो रही है, क्योंकि अष्टकर्म में वही आता है कि यानी कि बस्ती और बस्ती और कपाल भाति से कर्मों से संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है, परीक्षा में ये नहीं आएगा, परिस्त्रिका में भस्त्र ही आएगा, ये भी आप ध्यान रखिए।
ठीक है, छह चक्रों के नाम दे दिए, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और कंठ चक्र, कंठ तो इसी को बोलते हैं, आज्ञा चक्र। अब मैं प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ जिससे आपको जल्दी समझ आएगा। ये छोटा सा बनाया आपके समझने के लिए। ये देखिए, ये हमने पहले जो आठ दे उन्होंने लिखा है, पहले चक्र कर्म दे दिया, यहाँ पे वज्रोली लिख दिया मैंने, नोली धोती नेति त्राटक, और यानी कि इसके साथ में रिलेशन, ये राइट साइड में पिक्चर आपको दिखाई दे रही है कि मूलाधार चक्कर नीचे होता है, स्वाधिष्ठान चक्कर यहाँ पे होता है, मणिपुर चक्कर नाभि में होता है, अनाहत चक्कर हृदय स्थान पे होता है, विशुद्धि चक्र गले में होते हैं, आज्ञा चक्कर आईब्रो सेंटर में होता है। यहाँ पे सातवां चक्कर नहीं बताया गया, ये नहीं आएगा, ध्यान रखेंगे ठीक है, ये नहीं आएगा। तो ये छह चक्रों का रिलेशन, चक्री का रिलेशन मूलाधार चक्र से, वज्रोली का स्वाधिष्ठान चक्र से, नोली का मणिपुर चक्र से, धोती का दो से है संबंध यहाँ पे, ठीक है, दो चक्रों से, और नेति और त्राटक दोनों का ही आज्ञा चक्र से संबंध है, और भस्त्री और कपाल भस्त्री, देखो ये कपाल का भी भस्त्री नाम है, इसलिए मैंने कपाल भस्त्री ज्यादा मुझे अच्छा लगा, उससे पूरा शरीर का शोधन होता है, ठीक है। वापिस आते हैं अपनी, क्लियर हो गया होगा, आप अपने नोट्स बना लेंगे जैसे आपको अच्छा लगे, आगे हम बढ़ते हैं। अब स्थान का वर्णन दिया है कि ये स्थान तो जबकि हठयोग प्रदीपिका में तो पहले ही आ जाते हैं, लेकिन इसमें बाद में बताया गया, थोड़ा सा मैनेजमेंट, थोड़ा सा इन्होंने बाद में याद आया कि बाद में लिखने चाहिए, कि सुराष्ट्रीय धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रव एक कांते मठिका मध्य स्थातव्यम हठयोगी ना, यहाँ पे सुराष्ट्रीय शब्द यूज किया है, और हठयोग प्रदीपिका में सुराज्य शब्द यूज किया था, कि राज्य और राष्ट्र साधारण दृष्टि में तो दोनों एक होता है, लेकिन राज्य छोटा होता है, राष्ट्र बड़ा होता है, यानी कि राष्ट्र यानी कंट्री और राज्य यानी स्टेट। धार्मिक धार्मिक स्वच्छ सुभिक्षे, वहां पे भिक्षा राम से मिल जाए, निरुपद्रवे अकाल आदि वहां पे ना पड़े, यानी कि वो सर प्रकृति की प्रकोप ना हो वहां पे, एकांत मठिका मध्य ऐसे स्थान में, ऐसी मठिका वहां पर के मठिका बना करके उसके मध्य में स्थातव्यम हट योगी ना, स्थित हो जाना है, बैठ जाना है, हट योगी ना, ऐसे योग साधक को। ये भी बिल्कुल कॉपी किया हुआ श्लोक है, इसलिए पढ़ाने का मन नहीं करा, बिल्कुल कॉपी सेम वही श्लोक है, अर्थ द्वारम अरंत्र गर्त पिठरम शब्द वहां पे विवरम था, नात्युच निचायतम सम्यक गोम में सांदर लिप्त विमलम निशेष बादो जिततम बाह्य मंडप वेदिकुप रुचिरम प्राकार संवेष्टितम प्रोक्तम योग, कुटिया है उसका द्वार छोटा होना चाहिए, रंध्र यानी कि छिद्र नहीं होने चाहिए वहां पे, ना वो स्थान ऊंचा हो ना वो स्थान नीचा हो, सम्यक यानी कि अच्छे प्रकार से, गोम में गाय के, गाय से क्या मिलेगा, गोबर, यानी कि गाय से सांद्र लिप्त, यानी कि वहां से लिपा हुआ होना चाहिए वो अच्छी प्रकार से, कि जो कुटिया है गाय के गोबर से लिपी होनी चाहिए, विमलम पूरी तरीके से निर्मल कर देना है उसको, निशेष बोधि जितम कि उसमें कोई किसी प्रकार का बैक्टीरिया या और जीव ना आए, और कुटिया के बाहर, ये तो हो गया कुटिया के अंदर, नीचे वाली लाइन बाहर क्या होना चाहिए, मंडप होना चाहिए, मंडप यानी कि जो बैठते हैं, जो मुनीम बैठता है उसको मंडप बोलते हैं एक तरीके से, या छोटी सी जो जैसे साईं बाबा की फोटो देखी होगी, वो एक उसपे पत्थर पे बैठे रहते हैं, वो भी एक मंडप की तरह है, सॉरी मंडप तो उसको बोलते हैं, ऊपर का छप्पर उसको बेदी बोलते हैं, मंडप यानी कि जो गाय आपने देखी होगी, गाय के ऊपर एक छप्पर होता है बा उसको बनाते हैं, उसको मंडप बोलते हैं, मंडप बेदी यानी कि जिसपे साईं बाबा की फोटो देखोगे पत्थर पे बैठते हैं, कुप रुचिरम कुआ होता है, कुआ होना चाहिए ताकि पानी की कमी ना हो, प्राकार संवेष्टितम यानी कि जो उसकी कुटिया है चारों तरफ से दीवार से ढकी हो, क्यों, ताकि जंगली जानवर उसको ना खा जाए, प्रोक्तम योग मठस्य ऐसा कहा गया है, योग मठस्य कि जो योग का मठ यानी कि योग की कुटिया, लक्षण मिदम उसके लक्षण है ये सिद्धि हटाभ्यास से भी, वहां पे सिद्धियां उसको मिलेगी हटाभ्यासी को,
आगे बताया कि एवं विधेयम अठे स्थित्व, ये भी सेम वही श्लोक है, हट्टोक प्रदीपिका कॉपी किया हुआ है कि ऐसे मठ में स्थित हो करके सर्व चिंता विवर्जित है, सभी प्रकार की टेंशन को दूर करके गुरु उपदिष्ट मार्ग है ना, जैसे गुरु ने कह दिया है, जो बोला है बेटा तुझे ये करना है तो यही करना है गुरु की आज्ञा अनुसार, योगमेव सदा भाषित, ऐसे योग का हमेशा निरंतर अभ्यास करना है। आगे तत्व निद्रो मिता हारो जित श्वासो जितेंद्रिय हटाभ्यास परो नित्यम योगी ब्रह्म समो भवेत। अर्थार्थ तत्व निद्रो, तत्थार्थ त्यागना यानी कि दूर होना, निद्रो निद्रा से, मिताहारो यानी कि कम खाने वाला हो, मिताहारी हो, जीत श्वासो अर्थात श्वासों को जीतने वाला, श्वासों को कंट्रोल करने वाला, जितेंद्रिय इंद्रियों को काबू में करने वाला, हटाभ्यासो परो नित्यम योगी ब्रह्म समोभवित, ऐसे योगी को जो नित्य ये चीजें करता है, चार चीजें बताई है, निद्रा मिताहार श्वास को जीतना और जितेंद्रिय, चार चीजों को जो करेगा उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी, ब्रह्म समभावित। ये एग्जाम में बहुत जरूरी क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए इस वाले को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इस बार भी पूछा गया था इसी टाइप का था कि उसमें क्या होता है एग्जाम में, ये बोल देंगे कि ब्रह्म की प्राप्ति किससे होती है, ऑप्शन दे देंगे चार पांच, आपको ये सिलेक्ट करने हैं, वहां पे आलस आ जाएगा, लेकिन आलस यहाँ पे देखो है नहीं, ऐसा ऑप्शन दे देंगे एग्जाम वाले कि वो लगेगा हाँ ये भी होना चाहिए, लेकिन आप ध्यान रखो निद्रा तो निद्रा ही, कोई और नहीं होना चाहिए, निद्रा मिताहार श्वास जितेंद्रिय, यहाँ पे भूख दे दिया है तो भूख ज्यादा सूट नहीं करता है, तो मिताहार ही लिखना आप, मिताहार तो मिताहार ही लिखो, भूख मत लिखो ना, यहाँ पे इस राइटर ने लिख दिया है। आगे योगीश्वस्य योगस्य योग शास्त्रस्य पार्वती निंदा चाहिए पर को वर्तन अंतिम राक्षस शास्ते नराचित अर्थार्थ पाहे पार्वती। ओ ये देखो बिल्कुल ही कॉपी कर दिया शिवजी वाले, शिवजी जो कह रहे हैं वही चीजें बोल दिया, यानी कि शिवजी बोल रहे हैं पार्वती को कि जो योगेश्वर और योग शास्त्र की निंदा करता है, किसकी, योगेश्वर, योगेश्वर कौन है, आदिनाथ शिव, और योग शास्त्र, योग शास्त्र कौन से हैं जो हम पढ़ रहे हैं, ये भी तो योग शास्त्र एक तरीके का, जो इन शास्त्रों की जो निंदा करता है वह व्यक्ति इस पृथ्वी पर राक्षस के समान है। अब ऑप्शन कैसे बनेगा कि राक्षस के समान कौन है, जो योगेश्वर की निंदा करता है और योग शास्त्र की निंदा करता है वो राक्षस के समान है, और ऐसा कौन कह रहा है, शिवजी कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, पार्वती से कह रहे हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बता दिया, बिल्कुल कॉपी किया हुआ है सारा हठयोग प्रदीपिका का कॉपी श्लोक है ये, मतलब कि पथ्य आहार का, गोधूम साली यव षष्टि के शोभनानम क्षीराज्य मंड, मंड नहीं आएगा खंड आएगा यहाँ पे, मिस्टेक है, क्षीराज्य खंड नवनीत सीता मधुनी सुंठी पटोलक फल पत्र ज पंच साकम मुद्गादि दिव्य मुद्गम च यमिंद्र पथयम। अर्थार्थ गोधूम गेहूं, साली इनकी जो चावल है, यव जो षष्टि जो पुराना चावल है, शोभनानम ऐसे शोभित होते हैं खाने चाहिए, क्षीर दूध, आज्य घी, यहाँ पे खंड आएगा, अंड नहीं आएगा खंड आएगा यानी कि खांड, नवनीत यानी कि माखन, सीता यानी कि मिश्री, मधुनी यानी कि शहद, सुंठी, सुंठी होता है सोठ यानी कि अदरक को सुखाया हुआ उसको सुंठी बोलते हैं, पटोलक परवल, यहाँ पे नागफल दे रखा है, पता नहीं मुझे नागफल नहीं, परवल पक्का आएगा ये मैं श्योर हूँ, परवल आएगा, फल ऐसे फल, और पंच साकम यानी कि पत्ते वाले पांच साक, और हठयोग प्रदीपिका में आप पढ़ेंगे वहां पे डिफाइन भी किया हुआ है पांच साक कौन कौन से हैं, वहां पे बताया गया था कि एक तो वहां पे था चौलाई था, सजीवंती बथुआ जीवंती चौलाई बथुआ चौलाई मेघनाथ और मेघनाथ पुनर्नवा। और पुनर्वा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ऐसे याद होने चाहिए आप सभी को, यानी कि पांच साक वहां पे बताए गए थे, किन्ने बताए थे वहां पे, लोनावला वालों ने लिखे हुए पुस्तक में, श्लोक में तो वहां भी नहीं बताया गया, ये वाला भी बिल्कुल कॉपी किया हुआ श्लोक है, सारा हठयोग प्रदीपिका का है कि कटु यानी कि अपथ्य माहु, अपथ्य आहार बताया यानी कि जो से आहार नहीं खाने चाहिए, कटु अम्ल, अम्ल नहीं खाना, तीक्ष्ण जो तीखे चीजें वो चीजें नहीं खाने, लवण यानी नमकीन चीजें नहीं खाने, उष्ण
गरम नहीं खाने, हरित साकम हरे साग नहीं खाने। सोवीर, सोवीर पे थोड़ा सा बहस है, कुछ लोग सोवीर को बेर बोलते हैं और वहां पे खट्टी बाजी बोला गया है, और यहाँ पे समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहा है, इन्होंने तो उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है। लेकिन सोवीर को हट योग प्रदीपिका में खट्टी भाजी बोला है वहां पे। तिल, तेल की चीजें, तिल 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 नहीं खाना। सरसप यानी कि सरसप होता है सरसों। और मत्स्य, अब देखो अगर हम यहाँ पे मदिरा इन्होंने दिया है और मदिरा का यहाँ पे मिसिंग है, और अगर हम हट योग प्रदीपिका की बात करें वहां पे यहाँ पे मद आता है अलग से, मद लिखा हुआ है, तो या तो श्लोक में गड़बड़ है, मद इन्होंने छोड़ दिया श्लोक में, मद आना चाहिए था, यानी कि शराब। मत्स्य यानी कि मछली भी नहीं खाने। आजादी मांस यानी बकरे आदि का मांस, बकरा आदि यानी कि और भी। दधी, दही, तक्र, छाछ, कुलतत काली दाल, और यहाँ पे कोल था, यहाँ पे कोद्र दे दिया। कोल का अर्थ तो काली मिर्च होता है, कोद्र का अर्थ मुझे पता नहीं है, हट्टियोग प्रदीपिका में कोल दिया हुआ यहाँ पे। पिन्याक जो प्याज है, हिंग हिंग, लहसुन यानी कि लहसुन, अपथ्य माहु आदि यानी कि और भी, ये तो प्रमुख है आदि, इसके अलावा और भी अपथ्य माहु नहीं खाने चाहिए। लगभग दोनों का बिल्कुल सेम है हट्टियोग प्रदीपिका को लेकर। अब यहाँ पे गोरक्ष वचन ने बताए हैं, यानी कि गोरक्षनाथ ने कहा है कि किन चीजों से हमें बचकर रहना चाहिए, ये भी बिल्कुल कॉपी किया हुआ है हट्टियोग प्रदीपिका का। वर्जयेत दुर्जन प्रीति, यानी कि वर्जित वर्जित है यानी कि नहीं करने चाहिए। दुर्जन प्रीति जो दुर्जनों का साथ, प्रीति यानी कि साथ, उनके साथ में रहना, कि उनके साथ नहीं रहना दुर्जन लोगों के साथ। बहने आग, स्त्री यानी कि स्त्री के साथ, और अगर स्त्री परिपेक्ष में देखेंगे तो पुरुष अर्थ आएगा। पथ सेवनम यानी कि ज्यादा यात्रा नहीं करनी है। प्रातः स्नान उपास आदि, जो प्रातः कालीन जो स्नान किया जाता है, उपवास जो व्रत किए जाते हैं, काय क्लेश आदि कम, जो काया को क्लेश यानी कि दुख देने वाले कर्मों को गोरक्षनाथ जी ने मना किया है, ऐसे नहीं करना चाहिए। अब मच्छेंद्र वात नी, मच्छेंद्र नाथ जी क्या बोलते हैं इसके बारे में, रस मारे मारे हेम करे, मल जारे जारे रोग हरे, वायु पूरे आयु करे, आत्म ध्याने ध्याने मोक्ष करे। अर्थार्थ यहाँ पे जो साधारण सीधा सा ऊपर उलझा रखा है, लेकिन मेन जो लाइन है वो लास्ट वाली लाइन है सिर्फ, कि जिस प्रकार जो रासायनिक क्रियाओं के द्वारा सोने की प्राप्ति होती है, कि सोना हमें ऐसे नहीं मिलता है कि सोने के मिट्टी होती है, अगर हम एक ट्रक सोना निकालते तो क्या पता 10 ग्राम सोना निकले एक ट्रक मिट्टी में से, यानी कि वहां पे, और उसको भी वो भी इनप्योर होता है, उसको भी प्योर करना पड़ता है रासायनिक क्रियाओं के द्वारा। जैसे सोने की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार शरीर के अशुद्धियों को जलाकर, यानी कि योगाभ्यास से ही तो शरीर की अशुद्धियां दूर होंगी, शरीर स्वस्थ शरीर की प्राप्ति होती है, यानी कि व्यायाम करेंगे उससे स्वस्थ शरीर मिलेगा, और श्वास क्रियाओं के अभ्यास द्वारा दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, यानी कि प्राणायाम से दीर्घ आयु मिलता है, और इसी प्रकार आत्म ध्यान के द्वारा मोक्ष मिलता है। अब क्वेश्चन बनता है कि मोक्ष कैसे मिलता है, तो ऑप्शन आएगा आत्म ध्यान से मिलता है मोक्ष। आगे बढ़ते हैं, अब देखो यहाँ पे छोटा, ये भी बिल्कुल कॉपी किया हुआ श्लोक है हट्टियोग प्रदीपिका का। वैसे यहाँ पे श्रेष्ठम शब्द है, वहां पे था पुष्टम, दो अंतर है पुष्टम और श्रेष्ठम, बस ये चीज अंतर है। श्रेष्ठम सुमधुरम स्निग्धम गव्यम धातु पर पोषणम मनोभिलषितम योग्यम चतुर्थारांश विवर्जितम। अच्छा, मिताहार को भी मिला दिया इसी में एक बार, श्लोक को मिक्स कर दिया। श्रेष्ठम श्रेष्ठ भोजन हो, सुमधुर मधुर आहार हो, ध्यान रखेंगे यहाँ पे क्या पता यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले। हट्टियोग प्रदीपिका में यहाँ पे पुष्टम शब्द है पोषित करने वाला, और यहाँ पे श्रेष्ठम शब्द यूज किया, ये डिफरेंस हो गया दोनों ग्रंथों का, आप अलग से नोट कर लेंगे श्रेष्ठम और पुष्टम को। स्निग्धम यानी कि चिकना, गव्यम ये तो बाकी सारे सेम है, गाय का, गाय से प्राप्त होने वाली चीजें। धातु पर पोषणम, जिससे हमारे सप्त धातुओं का पोषण होता है, रक्त रक्त रस मादमेश अस्थि मज्जा, जो आयुर्वेद में जो सप्त धातु बताई गई है। मनोभिलषितम, मन को भी बाहर भाना होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि देखने का भी मन ना करे, अच्छा ही ना लगे, जबरदस्ती खाने वाला भी ना हो, अर्थात
सुंदर तरीके से परोसा हुआ होना चाहिए और पसंदीदा होना चाहिए, यानी कि सात्विक आहार भी पसंदीदा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि करेला सामने रख दिया, सात्विक है और करेला मन ही ना करे खाने का, तो यानी कि मन को भाने वाली चीज होनी चाहिए, योग्य 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 होना चाहिए। और चतुर्थारांश विवर्जितम, अच्छा ये उसको मिला दिया है अगले वाले श्लोक के साथ, मिताहार को इसमें मिला दिया कि चतुर्थारांश यानी कि चौथा भाग, 1/4 पार्ट जो है खाली होना चाहिए, 1/4 पार्ट यानी कि 75% ही भरना है। और 75 भी क्या है आगे बताया हुआ है, और वो भोजन भी शिवार्पितम, शिव को अर्पित करते हुए। यहाँ पे आप ये भी लगा सकते हो कि इष्ट देव को अर्पित करते हुए, लेकिन मुख्यतः शिव दिया तो शिव ही याद रखना कि शिव को अर्पित करते हुए, यानी कि भगवान को धन्यवाद बोलते हैं ना कि भगवान आपने मुझे खाना दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, यानी कि वो भोजन और वो भी आधा पेट खाना है हमें, और चौथा भाग खाली छोड़ के। न वेद योगी भाजन माचरेत अयमेव मिताहारे कदनेन विवर्जित, अर्थात देखो चौथा भाग खाली छोड़ देना चाहिए, शिव को अर्पित करके भोजन करना चाहिए और अशुद्ध भोजन का त्याग कर देना चाहिए। अयमेव यानी कि जो योग्य ना हो, अशुद्ध हो, का त्याग, उसी को ही मिताहारी कहते हैं। अब मिताहारी की परिभाषा आ गई है कि कौन मिताहारी है, जो चौथा भाग छोड़ देता है और जो भोजन है उसको भी भगवान को शिव को अर्पित करते हुए समर्पण भाव से उसका से उसको सेवन करता है और अशुद्ध भोजन का त्याग करता है, वो है मिताहारी। साधक तत्व क्या है? बिल्कुल सेम है, वही चीजें हैं। साधक तत्व जो उसमें हट्योग प्रदीपिका में है, अत्याहार पर्यायस्य पर जल्पो नियमाग्रह जनसंघ परित्याग जनसंघस्य लोल्यम च सर्वीर योगो विनय, सॉरी बाधक तत्व वही बाधक, कि अधिक खाना, अधिक खाओगे तो नींद आएगी तो कैसे आप साधना करोगे। पर्यायस्य, ज्यादा भी श्रम नहीं करना चाहिए, श्रम करना चाहिए लेकिन एक लिमिट होती है उसके भी, पर जल्पो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। नियमाग्रह, अत्याधिक नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, कठोर से कठोर नियमों को मना किया है यहाँ पे। जनसंघस्य, अधिक लोगों के कांटेक्ट में नहीं आना। लोलयम च यानी कि मन की चंचलता, लोलुपता, इंद्रियों के अनुरूप विषयों के अनुरूप कार्य करना वो न होना चाहिए, इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करने वाला होना चाहिए। षड्वीर योगो विनश्यति, अगर ये ऐसा करोगे तो उसका विनाश हो जाएगा, इसलिए ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ ये थोड़ा सा चेंज है इन्होंने साधक तत्व, क्योंकि तो वहां पर तो हठयोग प्रदीपिका का श्लोक में तो बताया गया है, वहां पर था उत्साह साहस धैर्य तत्व ज्ञानस्य निश्चयात् जनसंघ परित्यागात् षड्वीर योगो प्रसिद्ध्यति, लेकिन यहाँ पे तो 12 बता दिए उन्होंने, तो 6 बताए थे लेकिन यहाँ पे साधक तत्व 12 बताए हैं। तो अब हिंदी पढ़ लो ज्यादा आसान रहेगी। उत्साह बिल्कुल सेम है, यह हठयोग प्रदीपिका में भी था। निश्चय, निश्चय भी बताया गया था। धैर्य, धैर्य भी बताया गया था। तत्व ज्ञान भी बताया गया, चार तो बिल्कुल सेम मिल गए हैं हठयोग प्रदीपिका के। बिंदु स्थिरता, ये अलग से है आप ध्यान रखेंगे, यानी कि बिंदु को स्थिर करने वाला अर्थात ब्रह्मचारी। मिताहारी होना चाहिए भी बिल्कुल ठीक है। जनसंघ का त्यागी, ये भी है बताया गया हठयोग प्रदीपिका में, यानी कि जो हठयोग वाले है मैं उस पर राइट क्लिक कर देता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट आपको पता चल जाए कौन से अलग अलग बताए हैं। निद्रा का त्याग करने वाला सिर्फ इसमें बताया है, श्वास पे कंट्रोल करने वाला और आसन की स्थिरता वाला, आलस्य का त्याग करने वाला और आचार्य एवं गुरु कृपा। देखिए एक चीज मिसिंग है, ध्यान दीजिए, एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन बनाएगा, आपसे पूछता हूं बताओ क्या मिसिंग है जो हठयोग प्रदीपिका में है और यहाँ नहीं है, बताओ कितने एक्टिव हो, सर? बताओ, जनसंघ परित्याग, जनसंघ परित्याग, साहस, साहस, वेरी गुड। किसने बोला साहस आंसर आएगा? जनसंघ साहस नहीं है, देखो साहस नहीं है कहीं पर भी, उत्साह है, साहस नहीं है। तत्व ज्ञान तो होता है, तो बता तो रखा है इन्होंने तत्व ज्ञान, निश्चय भी बताया, धैर्य भी बताया, जनसंघ परित्याग भी बताया, साहस नहीं बताया, तो ये छोटा सा ध्यान रखेंगे। और ये चीजें एक्स्ट्रा ऐड किया इन्होंने, इनको बिंदु स्थिरता याद रख लेंगे, यानी कि 12 बताए इन्होंने, यहाँ पे 12 है साधक तत्व। अगर यहाँ पे एवं शब्द यूज किया है
अगर हम इसको हम दो अर्थ में माने तो 13 है, अगर एवं को एक माने तो 12 है। तो वैसे एक ही होता है एवं, तो अर्थ एक ही होता है लगभग। तो 12 साधक तत्व इन्होंने बताए हैं, ध्यान रखेंगे आप इसका। आगे बता दिया कि योग में सफलता प्राप्ति की जा सकती है शास्त्रों के सहारे, गुरु कृपा से, योग अभ्यास से, ईश्वर की कृपा दृष्टि। यानी कि यह भी बहुत मेजर क्वेश्चन बनता है कि योग में सफलता कैसे मिलती है। अब ऑप्शन में दे देगा कि 5-6 चीजें दे देगा और बोलेगा चुनो ABCD 1 2 3 4, 1 4 5 6 2 4 5 6, यानी कि घुमा देगा। ध्यान रखेंगे पहले चीज है शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों के सहारे, जैसे हम शास्त्र भी पढ़ रहे हैं, ये शास्त्र है, पहले शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, गुरु की भी कृपा होनी चाहिए, क्योंकि कोई गुरु होना चाहिए उन शास्त्रों को अच्छे से समझाने वाला और हमें गाइड करने वाला। और योग अभ्यास खाली गुरु और शास्त्र से काम नहीं चलेगा, खुद भी करना है। और ईश्वर की कृपा, जिसको हम भाग्य बोलते हैं, कि ईश्वर भी साथ हो, तभी योग में सफलता मिल सकती है, अदरवाइज योग में सक्सेस नहीं मिलेगी। अब इसको पढ़ाना में जरूरी नहीं समझता, बस आप इतना ध्यान रखिए कि इसमें 30 योगियों का वर्णन है, और जबकि हठ योग प्रदीपिका में 33 योगियों का वर्णन मिलता है। लगभग सेम है, ले थोड़ा सा इन्होंने नाम चेंज कर दिए हैं, ऑलमोस्ट सारे नाम वही हैं। अब कुछ योगों का मत है कि केवल प्राणायाम से ही समस्त अशुद्धियां दूर हो जाती है, कि प्राणायाम में रेव सर्वे पशु संति मला इति आचार्याणाम तु केषांचित अन्यत कर्म न समतम। ये भी हट योग प्रदीपिका से बिल्कुल कॉपी किया हुआ है, कि कुछ वहां पर भी मत मिलता है कि प्राणायाम से जब समस्त मल का नाश हो जाएंगे तो अन्य कर्म क्यों करें, यानी कि प्राणायाम की श्रेष्ठता बताइए। और आगे बताया कि समुद्र मंथन से कीमती मोतियों की प्राप्ति होती है, कि समुद्र का मंथन होता है, और आपको देवासुर संग्राम में जो हुआ था वहां से भी आपने देखा होगा कितने सारे रत्न अमूल्य चीजें वहां से निकली थी समुद्र मंथन से। इसी प्रकार योग संप्रदाय रूपी समुद्र मंथन में स्वर्ण जड़ित माला प्राप्त होती है। बस याद रखेंगे स्वर्ण जड़ित है, कि अगर हम योग का मंथन करते हैं, योग संप्रदाय रूपी, इसका अर्थ यहाँ पे इस अर्थ में जाता है कि अलग अलग बुक्स हैं जो हम उनको कंबाइन करते हैं, फिर उन बुक का निचोड़ निकालते हैं, उस वो जो निचोड़ है, जैसे अभी मैं आप लोगों को 3 ग्रंथों का निचोड़ बता रहा हूँ, 3 हठयोगिक टेक्स्ट का संप्रदाय है, घेरण संहिता, हठयोग प्रदीपिका और हठ रत्नावली। अब उन तीनों का ज्ञान मैं मिला के फिर आपको बता रहा हूँ, यानी कि वो जो ज्ञान है जो संप्रदाय से अलग अलग ग्रंथों से मिला है योग के, वो स्वर्ण जड़ित माला है, यानी कि वो अत्यंत अमूल्य है, कोई भी योगी इसकी उपेक्षा यानी कि उसको मना नहीं कर सकता, यानी कि सब उसको मानेंगे। समय हमारे पास थोड़ा सा है, तो मैं अगले फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अगले चैप्टर के मैं 10 कराऊंगा, उसके बाद में रुक जाऊंगा। फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, हिमांशी जी समझ आ रहा है? मोनिका जी को दिक्कत तो नहीं चल रही है? ठीक है जी, जी राहुल जी, ओके जी, थैंक यू। ठीक है, अब मैं द्वितीय उपदेश स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर पूरा हो चुका है, सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन करा दूंगा द्वितीय चैप्टर का प्राणायाम तक। प्राणायाम हम कल एक्सप्लेन करेंगे कि अष्टानाम कुंभ का नाम। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मतभेद है, देखिए यहाँ पर भी 8 नाम दे दिए कुंभकों का, लेकिन आगे जब कुंभक एक्सप्लेन करेंगे वहां पे 9 दे देगा। तो आप दोनों याद रखेंगे, 8वीं और 9वीं, दोनों आंसर सही है कि 8वीं बताए और 9वीं बताए, लेकिन जब व्याख्या करेंगे वहां पे 9 बताए गए हैं। तो लक्षणम लक्षितमय अपूर्वादिक सिद्ध्यर्थ है कुंभकान भवेत सुधि अर्थार्थ, यानी कि इन्होंने बता दिया कि ये चमत्कारी सिद्धियों को देने वाले अभूतपूर्व, यानी कि जिनके हम कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसी सिद्धियां इनसे मिल जाएगी, दीर्घायु की प्राप्ति होगी। किससे? प्राणायाम से, कुंभक से।
और अब नाड़ी शुद्धि, इन्होंने कुछ मैनेज भी नहीं किया हुआ। जबकि हटयोग पर दीपिका में आपने एक चीज देखी, पूरी बुक सिस्टमेटिक तरीके से बताई है। इन्होंने पता नहीं नाड़ी शुद्धि बाद में देते हैं, प्राणायाम पहले देते हैं, फिर षट चक्कर देते हैं, पूरा घचपच कर रखा है हठ रत्नावली में श्लोकों का। और जबकि ये तो बाद में लिखा गया ग्रंथ है। इसके मुकाबले पर समझता हूँ, हर चीज सिस्टमेटिक बताई है वहां पे, कि पहले मठ हो, स्थान हो, बाधक साधक, आसन, सब चीजें सिस्टमेटिक तरीके से बताइए वहां पे। यहाँ पे सब उल्टा पुल्टा है। विधिवत प्राण संयम नाड़ी चक्रे विशोधित सुषुम्ना वदनम भित्वा सुखात विस्ती मारुतः। अर्थार्थ ये वहां से श्लोक उठा लिया इन्होंने, जो हम एक तरीके से तीनों बंद लगाते हैं ना, तीनों बंद लगा करके जो जो सुषुम्ना नाड़ी में जो नाड़ी शुद्धि हो जाती है, जो प्राण है सुषुम्ना में वहन करता है, जब अब सुषुम्ना वदनम भित्वा सुषुम्ना के मुख का भेदन करता है, भेदन करके जब प्राण सुषुम्ना में जाता है, सुखात विस्त मारुत, यानी कि जो मारुत है वो वायु है, जो जाएगी तो सुखात सुख होगा, आनंद मिलेगा। अब मारुते मध्य जाते मन स्थिरियम पर जायते, मन सुस्थिर भाव है सही अवस्था मनोन्मनी। ऐसी अवस्था कौन सी होती है? मनोन्मनी अवस्था। अब क्वेश्चन इस बार पूछा गया था पेपर में कि मनोन्मनी अवस्था में क्या होता है, इसमें मन स्थिर होता है। क्वेश्चन ही ऐसे पूछा था, मनोन्मनी अवस्था कौन सी नाड़ी में मिलती है, शायद ऐसे क्वेश्चन आया था। ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, आंसर आएगा सुषुम्ना आपके सामने। एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछता है कि जब सुषुम्ना नाड़ी में जो प्राण संचरित होगा तो उससे मन स्थिर होगा, और वो जो अवस्था होगी हमारे चित्त की वो मनोन्मनी अवस्था, और इसी को उन्मनी अवस्था भी कहते हैं। आगे सिद्धि विधानागा सदा कुर्वती कुंभकान विचित्र कुंभकाभ्यासात विचित्राम सिद्धि मापनीयात। बिल्कुल कॉपी किया हुआ हठयोग पर दीपिका में भी एज इट इज श्लोक है ये, कि तत् सिद्धि विधानागा, कि अनेक अलग अलग जो चीजों को करते हैं, सदा कुर्वती कुंभकान, जो सदा कुंभकों का अभ्यास करते हैं, विचित्र कुंभकाभ्यास, यानी कि अलग अलग कुंभकों को करने से विचित्राम सिद्धि, अलग अलग सिद्धियों की प्राप्ति होती है, यानी कि प्राणायाम से सिद्धियां मिलती है। अलग अलग करेंगे तो अलग अलग अनेकों सिद्धियां मिलेगी। यहाँ पे आ गया बहुत जरूरी को, इसको तो आप याद कर लेंगे, इसमें थोड़ा सा इससे अगला श्लोक याद करना है, खाली पढ़ने के लिए आपके। भस्त्रिका भ्रामरी सूर्य भेदी उज्जाई शीतली, एक दो तीन चार पांच हो गए। मूर्छा, मूर्छा नाम शीतकारम, शीतकार सात, केवल आठ हो गए। चाष्ट कुंभ का, ये आठ कुंभक है। अब देखिए यहाँ पे नोम ऐड किया गया है, भुजंकरणी चेती कुंभ का नव सख्या, इसको नोवा कुंभक बोलते हैं। अर्थात इस श्लोक ने सिद्ध कर दिया कि हट रत्नावली में नौ कुंभक है। अब कंफ्यूज मत होना आप सभी, नो ही आंसर आएगा, ठीक है। अब ये सीक्वेंस दी है, अब यहाँ पे देखो भुजंकरणी छोड़ दिया अभी इन्होंने, सूर्य भेदी उज्जाई शीतकारी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा केवली और यहाँ पे आएगा भुजंकरणी। ये सीक्वेंस है, याद रखेंगे सीक्वेंस को। ये वाली सीक्वेंस है, ऊपर वाली सीक्वेंस नहीं आएगी, ये वाली सीक्वेंस आएगी पेपर में, लेकिन यहाँ पे भुजंकरणी ऐड कर देना आप केवली के बाद में। हमारे पास है दो मिनट में, वहां तक दो श्लोक और करा देता हूँ। पूर्व कांते तू कर्तव्य, अब जालंधर बंद की स्थिति बताई है, उड्यान बंद की स्थिति बताई है, और मूल बंद की, तीनों की स्थिति बताई गई। ये भी पूरा कॉपी किया हुआ है हठयोग पर दीपिका का। पूर्व कांते तू कर्तव्य, पूरक के बाद में कर्तव्य करना चाहिए, क्या बंदो जालंधर, आवेदन जालंधर बंद करना चाहिए, यानी कि सांस लेके कर रहा है, छोड़ के नहीं करना, ध्यान रखो पूरक के बाद करना है। और कुंभ का अंत रेचक आदव, कुंभ के अंत में और रेचक से पहले,
अर्थात जब सांस छोड़ने से पहले ही हमें उद्यान बंद लगा देना है, एक्सहेल करके नहीं करना। स्पष्ट कहा है कुंभ कांति, कुंभ के अंत में, यानी कि सांस रोका हुआ हमने, जालंधर में लगा हुआ है, अब सांस छोड़ने वाला हूं, छोड़ने से पहले ही लगा देना उद्यान बंद। अब आगे बताया कि अब ये सीक्वेंस पेपर में आती है, ये वाली है सीक्वेंस एक्चुअल दोनों ग्रंथों की, नहीं इससे नीचे वाली है, सॉरी इसे नीचे वाले श्लोक में आएगा। अपानम ऊर्ध्वम उत्थापय, कि अपान वायु को ऊपर की तरफ उठाना है, प्राणम कंठा ददो नयन, प्राण को कंठ से दबाना है जालंधर बंद से, योगी जरा विमुक्त है स्यात, जो योगी है जरा से मुक्त हो जाएगा, अर्थात बुढ़ापा से मुक्त हो जाएगा, षोडशो वया भवेत, यानी कि 16 वर्ष के युवक के समान उसका शरीर उसकी काया हो जाएगी। मैं एक लास्ट आपको ये प्राण वाला फोटो दिखा देता हूँ और उसके बाद में मैं आज की कक्षा संपन्न करता हूँ। ये आपको याद होगा कि उदान ऊपर का बोला गया है, जो सिर है उसको उदान बोलते हैं, जो हृदय से कंठ तक का जो स्थान है वो प्राण होता है, और नाभि, नाभि वाला जो पेट वाला स्थान है उसको समान वायु बोलते हैं, और नाभि से नीचे गुदा तक जो स्थान होता है उसको अपान वायु का स्थान बोलते हैं, और जो समस्त शरीर में होती है उसको व्यान बोलते हैं। और दूसरे डायग्राम से मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पे स्थान बता दिया गया है, देखिए उदान वायु ऊपर की तरफ बह रही है, यानी कि उदान वायु की सामान्य गति ऊपर की तरफ है, प्राण वायु ये रहा, प्राण वायु की गति देखो ऊपर की तरफ है, और समान वायु की गति ऊपर और नीचे दोनों तरफ है, ध्यान रखिए डिफरेंस। डायग्राम दिख नहीं रहा है, डायग्राम में दिख रहा, डायग्राम दिख नहीं रहा स्क्रीन पे, दिख रहा है सर। ओके ओके, 2 मिनट है, मैं कवर करा देता हूँ, फिर आगे क्लास है। अब व्यान वायु को चंद्रमा है, चंद्रमा का सही अर्थ तो मुझे नहीं पता, लेकिन व्यान जो मैंने पढ़ा है कि समस्त शरीर में होती है, और अपान वायु देखिए साधा, यहाँ अपान वायु की गति नीचे बताई हुई है, नीचे की तरफ बहती है, और हमें क्या करना है, जब हम जालंधर बंद लगाएंगे, ये जो प्राण ऊपर बह रहा है, देखो प्राण की गति ऊपर है ना, ये इसको नीचे करना है, ये नीचे आएगा, प्राण नीचे आएगा, समान तो दोनों तरफ है, और उदा अपान जो नीचे बह रहा है ये ऊपर उठेगा, अब ये ऊपर से नीचे आ रहा है और नीचे से अपान मिल रही है, यहाँ पे फिर जठराग्नि प्रदीप्त होगी, दोनों समान में मिलेंगी, और यहीं पे कुंडलिनी का स्थान है, कुंडलिनी जो गर्म होगी फिर वो जागृत होगी, जब वो प्राण सुषुम्ना में बहेगा उसी अवस्था को उन्मनी अवस्था कहा गया है। होप कि आपको क्लियर हुआ होगा, आज की कक्षा यहाँ तक होती है, क्योंकि फर्स्ट पेपर की भी क्लास है तो मैं सर का टाइम नहीं लूंगा ज्यादा, तो पहले आप अपने डाउट ले लीजिए, 2-3 मिनट का टाइम है, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। आज क्या नहीं समझ आया, वैसे ऑलमोस्ट सारा हट योग प्रदीपिका का था, सारी चीजें कॉपी किया हुआ था भैया, थोड़ा राहुल जी त्राटक एक चीज को देखना है, निरीक्षित अचल दृश्य, यानी कि एक लक्ष्य बना देना है, सूक्ष्म लक्ष्य, और जब तक उसको देखना जब तक आंसू ना आ जाए, यहाँ का जो श्लोक, हाँ जी यहाँ पे श्लोक था निरीक्षित, मैं बता तो रहा हूँ यादव भैया, निरीक्षित निश्चल दृशा, किसी एक उसको अच्छे से देखना है, सूक्ष्म लक्ष्य समाहित है, सूक्ष्म लक्ष्य को देखना है, असुर संपात पर्यंतम, जब तक आंखों से आंसू ना आ जाए, आचार्य त्राटकम संतम, आचार्यों ने उसे त्राटक कहा है, बहुत आसान है ये तो, बहुत सिंपल है, इसमें क्या कंफ्यूज होना, बताइए नेक्स्ट जी। राहुल जी द्वितीय उपदेश अभी जो हमने पढ़ा है, उसमें श्लोक था कि पूरक के बाद जालंधर बंद करना है, रेचक के आरंभ व कुंभक की समाप्ति पर क्या था, उड्यान बंद, और उसके बाद उड्यान बंद, उसके बाद क्या, उड्यान बंद लगा दिया तो प्राण सुषुम्ना में चला जाएगा, उड्यान बंद और मूल बंद की कोई विशेष स्थिति नहीं बताई गई है, मूल बंद की विशेष स्थिति नहीं बताई है, लेकिन हम अनुमानित आधार पे ये लगा सकते हैं कि दोनों बंद जहां पे लग गए तो मूल बंद भी पूरक में ही लगना चाहिए, कुंभक के अंदर,
क्योंकि तीनों बंध जब लगेंगे तभी तो प्राण बहेगा ना। इस अर्थार्थ पूरक किया, जालंधर बंध लगा लिया, और सांस छोड़ने से पहले हमें उड़ान बंध लगाना है, अर्थार्थ मूल बंध भी हमें यहीं पर लगाना चाहिए। ओके, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, तैयार हो सभी? 5 मिनट, क्योंकि फिर सर का समय हो जाएगा। 4 मिनट में पूछूंगा, 1 मिनट आपके लिए फ्री।